So hello everyone, welcome back to our own channel Dr. Purva Sahu. Hope you all are well. So student, आज का जो मेरा टॉपिक है वो बेसिकली है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एनिमल किंगडम से, जिसमें मैंने दो पॉइंट्स बेसिकली डिस्कस किए हैं. एक तो है आप लोगों के जो टाइप्स ऑफ जर्म लेयर के बेस पे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग डिवाइड करते हैं वो पॉइंट, और सेकेंड पॉइंट है सिमेट्री से रिलेटेड. तो स्टूडेंट, इसमें जो मेरा फर्स्ट पॉइंट है जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, दैट इज़ सिमेट्री. How we can differentiate different organism on the basis of the symmetry. So on the basis of symmetry, there are basically two type of organism. One is asymmetrical and the second is symmetrical. Okay? So asymmetrical means बच्चों क्या हुआ, asymmetry मतलब कोई symmetry ही नहीं है. symmetry basically क्या हो गई है, absent हो गई है. एक organism को हम लोग किसी भी plane से equal parts में divide नहीं कर सकते हैं. suppose this is a one organism, okay, if we are dividing through this plane, so this cannot be divided into the two equal halves. जैसे हम लोग ये एक ऑर्गेनिज्म ले रहे हैं, इस ऑर्गेनिज्म को अगर हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करें बाय दिस प्लेन, तो वी कैन नॉट डिवाइड इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स. दैट इज़ अ बेसिक पॉइंट रिलेटेड टू द असिमेट्रिकल. सो वी कैन राइट डाउन द डेफिनेशन रिलेटेड टू दिस असिमेट्रिकल, दैट ऑर्गेनिज्म्स विच कैन नॉट बी divided into equal halves by any plane. So those organisms are basically asymmetrical organism, in which basically we will study poriferous, mainly स्पॉन्जेस जो होते हैं स्टूडेंट्स, मोस्टली स्पॉन्जेस जो होते हैं वो इस एसिमेट्रिकल कैटेगरी में आते हैं, जिनका कि जो बॉडी है वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं हो सकती किसी भी प्लेन के थ्रू, यानी इनटू इक्वल हाफ्स बाय एनी प्लेन. दे कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय एनी प्लेन इनटू टू इक्वल हाफ्स. तो ये हो गया हमारा एसिमेट्रिकल से रिलेशन. अब हम लोग पढ़ते हैं सिमेट्रिकल से. तो सिमेट्रिकल बच्चों दो टाइप्स के होते हैं बेसिकली. द वन इज रेडियल सिमेट्री एंड अनदर वन इज अ बायलैटरल सिमेट्री. रेडियल सिमेट्री एंड बायलैटरल सिमेट्री. रेडियल सिमेट्री बच्चों क्या होती है, रेडियल सिमेट्री इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड into equal halves by any plane passing through, कहाँ से पास हो रहा होगा, that is basically passing through the center. तो सेंटर से होते हुए अगर कोई भी प्लेन जा रहा है, वो ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड अगर कर रहा है, तो उस टाइप की सिमेट्री को हम लोग बच्चों कहते हैं रेडियल सिमेट्री. ठीक है, जैसे सपोज करो ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसको हम लोग ये इसका सेंटर हो गया, यहाँ से भी डिवाइड कर सकते हैं इक्वल पार्ट में, यहाँ से भी हम लोग इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ से भी इसको इक्वल पार्ट में, और यहाँ से भी इसको इक्वल पार्ट्स में. तो दिस टाइप ऑफ सिमेट्री इज नोन एज अ रेडियल सिमेट्री. नाउ द ऑर्गेनिजम्स विच विल शो द रेडियल सिमेट्री एग्जांपल्स, अगर आप लोग देखें रेडियल सिमेट्री के, तो बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं सिलेंट्रेट्स हो गए, उसके अलावा टीनोफोरा जो फाइलम हम लोग पढ़ेंगे उसके ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं. उसके अलावा बच्चों इकाइनोडर्म्स में भी जो एडल्ट होते हैं वो एडल्ट आपके शो करते हैं रेडियल सिमेट्री. इकाइनोडर्म्स में दो टाइप की सिमेट्री आप लोगों को देखने को मिलती है, रेडियल भी देखने को मिलती है और बायलैटरल भी देखने को मिलती है, बट रेडियल सिमेट्री जो होती है वो आपको सिर्फ और सिर्फ एडल्ट में देखने को मिलती है. बायलैटरल आपको देखने को मिलेगी उसकी लार्वल स्टेज में. ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को एग्जांपल क्लियर हो गए होंगे. असिमेट्रिकल का एग्जांपल हो गया मोस्टली स्पॉन्जेस पॉरिफेरेंस, रेडियल का एग्जांपल हमारे पास में है सिलेंट्रेट टीनोफोर एंड दी इकाइनो
डर्म्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट दी बायलेटरल सिमेट्री। तो बायलेटरल सिमेट्री में क्या होगा स्टूडेंट, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स बाय ओनली सिंगल प्लेन, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है बाय एनी प्लेन, वहाँ पे हम लोगों ने लिखा है नॉट बी डिवाइडेड बाय एनी प्लेन, दे कैन बी डिवाइडेड बाय एनी प्लेन विच इज़ पासिंग थ्रू दी सेंटर, और यहाँ हम लोग लिखेंगे ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड बाय ओनली सिंगल प्लेन, ठीक है। सो ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इंटू इक्वल हाफ्स, इंटू इक्वल हाफ्स बाय ओनली वन, बाय ओनली वन प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, ठीक है। उसके सेंटर से होता हुआ एक प्लेन है, अगर वो उसके थ्रू अगर दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है तो उस टाइप की सिमेट्री को हम लोग कहते हैं स्टूडेंट बायलैटरल सिमेट्री। देखो कैसे होती है, ये आपके कुछ इस तरह से हो गई कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर सिर्फ उसको सिर्फ एक ही प्लेन से जो कि सेंटर से पास हो रहा है उसके थ्रू अगर उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सके तो उस सिमेट्री को हम लोग स्टूडेंट कहते हैं बायलेटरल सिमेट्री। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, जनरली जो इसका शुरुआत होती है वो एक फाइलम से होती है, उस फाइलम का नाम है बच्चों प्लैटीहेलमिंथीस। तो प्लैटीहेलमिंथीस के बाद में जितने भी फाइलम हैं, तो प्लैटीहेलमिंथीस टू कॉर्डेट्स जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे दे विल ऑल कम इनटू दिस कैटेगरी ऑफ दिस बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है। तो हमारे पास में अगर हम लोग सिमेट्री बेस पे पढ़ते हैं तो सिमेट्री बेस पे दो पॉइंट्स हमारे पास में आते हैं, वन इज़ अ रेडियल सिमेट्री, सेकंड वन इज़ अ बायलेटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स बाय एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, बट बायलेटरल सिमेट्री द ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स बाय ओनली वन प्लेन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड हेयर, वन प्लेन पासिंग थ्रू दी सेंटर। तो ये सेंटर से पास हो रहा है, ये राइट पार्ट होता है, ये सपोज करो लेफ्ट पार्ट होता है, तो ये इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। एग्जाम्पल आप लोगों का आ गया प्लैटीहेलमिंथीस टू कॉर्डेट्स, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में ही नंबर ऑफ जर्म लेयर। जर्म लेयर बेसिकली एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, ये तीन जर्म लेयर्स होती है। किसी किसी ऑर्गेनिज्म में आप लोगों को सिर्फ दो ही जर्म लेयर देखने को मिलती है और किसी किसी में आपको तीन जर्म लेयर देखने को मिलती है। तो जिन ऑर्गेनिज्म में सिर्फ दो जर्म लेयर होती है, विच हैव ओनली टू जर्म लेयर, दे विल कम इन टू द कैटेगरी ऑफ द डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। सो दे आर नोन एज अ डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, जिनमें कि सिर्फ और सिर्फ आपको दो ही जर्म लेयर देखने को मिलती है। जर्म लेयर बेसिकली जो लेयर्स होती हैं जिससे कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर्म होते हैं बच्चों। जैसे मैं बोलूं कि हमारा जो हार्ट होता है दैट इज़ मीजोडर्म ओरिजिनेट, अगर हम लोग बोले स्किन की तो स्किन दैट इज़ एक्टोडर्म ओरिजिनेट। तो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती है जो कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स बनाती है किसी ऑर्गेनिज्म में। इसी तरह से जो तीन जर्म लेयर्स होंगी उस कैटेगरी में हम लोग ऑर्गेनिज्म्स को रखेंगे, दे आर बेसिकली ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल हो गए। डायग्राम की हम लोग बात कर लेते हैं जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। सबसे पहले हम लोग एक बॉडी कैविटी बनाते हैं, ठीक है। इस बॉडी कैविटी के बाद में आप लोग जर्म लेयर बनाएं, क्योंकि सिर्फ टू ही जर्म लेयर है, तो इसमें प्रेजेंट होगी आपके एंडोडर्म और एक्टोडर्म, ठीक है। तीसरी जो जर्म लेयर होती है मीजोडर्म जिसे कहते हैं हम लोग, वो इसमें एब्सेंट होती है। ओनली टू जर्म लेयर्स आर प्रेजेंट हेयर, दिस इज द आउटर लेयर विच इज़ बेसिकली एक्टोडर्म। तो इसमें भी आप इस तरह से ये सेल्स बना सकते हो इस जर्म लेयर की, ये yeah.
सभी में ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियस हम लोग बना देते हैं हेयर, तो ये जो आउटर लेयर है बच्चों इसको हम लोग कहते हैं एक्टोडर्म, और ये जो इनसाइड लेयर है इसको हम लोग कहते हैं एंडोडर्म। बीच में इसके अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर ऑफ सेल प्रेजेंट होती है जिसको कि हम लोग स्टूडेंट कहते हैं मीजोग्लिया। ठीक है, बेसिकली प्रॉपर मीजोडर्म नहीं होती है, इसको हम लोग कहते हैं एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में जो प्रेजेंट होती है उसको हम लोग कहते हैं मीजोग्लिया। और एग्जांपल जो है डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के इस तरह का अरेंजमेंट आप लोगों को देखने को मिलता है सिलेंट्रेट्स में। ठीक है, सिलेंट्रेट्स हम लोग स्टडी करेंगे, जैसे हाइड्रा, हाइड्रा सिलेंट्रेट्स ग्रुप से बिलोंग करता है। नेक्स्ट अगर हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल की बात करें तो ट्रिप्लोब्लास्टिक में आपके बीच में ये सेंटर में कैविटी हो गई, इसके ऊपर हम लोगों ने जर्म लेयर बना दी जो कि है आपके एंडोडर्म। ठीक है, एंडोडर्म से हम लोग ऊपर बना रहे हैं एक और लेयर, दैट इज़ बेसिकली व्हाट, दैट इज़ बेसिकली मीजोडर्म। तो ये आपके चारों तरफ हो गई मीजोडर्म। और इसके ऊपर जो लेयर प्रेजेंट होगी वो आपके होगी एक्टोडर्म। तो इस तरह से तीनों ही लेयर्स जो है वो बेसिकली प्रेजेंट है। जिन ऑर्गेनिज्म में तीनों लेयर्स प्रेजेंट होती है उनको हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, सो दे हैव ऑल दीज थ्री जर्म लेयर। तो जाहिर सी बात है उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि ज़्यादा जर्म लेयर है तो ज़्यादा ऑर्गन्स उनमें बनेंगे। तो ये जो बाहर वाली है स्टूडेंट इसको हम लोग कहेंगे एक्टोडर्म, जो बीच वाली है उसको हम लोग कहेंगे मीजोडर्म, और जो सबसे अंदर वाली है उसको हम लोग कहेंगे एंडोडर्म। ठीक है, न्यूक्लियस इसमें बना देते हैं सारी जर्म लेयर में। ठीक है, और एग्जांपल हो गया इसके आपके प्लैटी हेलमेंथीस से लेके जितने भी फाइलम हैं, या मैं बोलूँ प्लैटी हेलमेंथीस टू कॉर्डेट्स जो है बेसिकली दे ऑल विल कम इनटू दिस कैटेगरी। तो नाउ अब हम लोगों ने स्टूडेंट्स क्या पढ़ लिया है, हम लोगों ने बेसिकली सिमेट्री पढ़ ली है, एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल में हम लोग मेनली ऑर्गेनिजम्स जो पॉरीफेरा से बिलोंग करते हैं, जो मोस्टली स्पॉन्जेस होते हैं उनको रखते हैं। उसके अलावा हम लोग जो रेडियल सिमेट्री पढ़ते हैं उसमें हम लोग सिलेंट्रेट्स रखते हैं, टीनोफोर्स रखते हैं, और इकाइनोडर्मेटा में भी स्टूडेंट हम लोग बेसिकली एडल्ट स्टेज रखते हैं, हम लोग लार्वल स्टेज नहीं रखते हैं, क्योंकि लार्वा के अंदर वहाँ पर बायलेटरल सिमेट्री होती है। इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, MCQs में भी पूछे जाते हैं, जहाँ स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, बिकॉज जैसे जैसे हम लोग फाइलम में अबव जाते जाते हैं वैसे वैसे जो सिमेट्री है, क्योंकि प्लैटी हेलमेंथीस के बाद में जो सिमेट्री होती है वो बायलेटरली होती है, तो स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि काइनोडर्मेटा तो प्लैटी हेलमेंथीस के बाद ही आता है तो इसका मतलब वहाँ पर भी बायलेटरल सिमेट्री होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर लार्वल स्टेज में आपको बायलेटरल सिमेट्री मिलती है, जबकि जो एडल्ट स्टेज होती है उसके अंदर आपको रेडियल सिमेट्री मिलती है। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था बायलेटरल सिमेट्री से, तो प्लैटी हेलमेंथीस से लेके कॉर्डेट्स तक के जितने भी फाइलम हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म इन सब ग्रुप में आते हैं वो सब लोग बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। नेक्स्ट, मैंने आप लोगों को बताया जर्म लेयर के बेस पे डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। तो डिप्लोब्लास्टिक में हम लोगों ने स्टूडेंट स्टडी कर लिया है कि बेसिकली इसमें हम लोग सिलेंट्रेट रखते हैं, और सिलेंट्रेट जब हम लोग फाइलम अलग से पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या रखते हैं, हम लोग कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जैसे हाइड्रा हम लोग इसमें रखते हैं। उसके अलावा जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है स्टूडेंट उसमें हम लोग रखते हैं प्लैटी हेलमेंथीस से लेके
पूरा जो कॉर्डेट्स तक हम लोग जो स्टडी करेंगे, जितने भी ऑर्गेनिज्म हम लोग अभी स्टडी करेंगे वो सब हम लोग पढ़ेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ बेसिकली तीन लेयर्स हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, और वहाँ पे सिर्फ दो ही लेयर है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। बीच में अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर ऑफ सेल भी प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग स्टूडेंट कहते हैं मीजोग्लिया। ठीक है, अब हम लोग इससे रिलेटेड दो क्वेश्चंस ले लेते हैं जो कि आपके लास्ट जो नीट के जो प्रीवियस पेपर्स है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है। दो क्वेश्चंस मैं इस टॉपिक से रिलेटेड ले रही हूँ। तो स्टूडेंट, हमारे पास में ये बेसिकली दो क्वेश्चन है जो अभी हम लोगों ने टॉपिक पढ़े हैं उससे रिलेटेड है। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ द एनिमल्स इज बायलैटरल सिमेट्रिकल एंड द ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो बायलैटरल सिमेट्री और ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक जो फीचर था वो हम लोगों ने स्टार्ट किया था बेसिकली प्लैटीहेलमिंथीस से, और बायलैटरल सिमेट्री भी हम लोगों ने स्टार्ट की थी प्लैटीहेलमिंथीस से ही। सिलेंट्रेट्स अगर हम लोग देखें तो सिलेंट्रेट्स के अंदर बेसिकली रेडियल सिमेट्री होती है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद टीनोफोर देखें तो टीनोफोर में भी रेडियल सिमेट्री होती है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। स्पॉन्जेस देखें तो पॉरीफेरिन से बिलोंग करते हैं, उसमें भी रेडियल सिमेट्री होती है, ये भी गलत हो जाएगा। तो फिर आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा, वो है एसके हेलमेंथीस जो कि प्लैटीहेलमिंथीस के बाद का फाइलम है, और इसका आंसर हो जाएगा आपके पास में एसके हेलमेंथीस, जिसमें कि दोनों फीचर्स आपको मिलेंगे, वन इज़ अ बायलैटरल सिमेट्री एंड द सेकेंड वन इज़ अ ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ एनिमल्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। अगेन ट्रिप्लोब्लास्टिक फीचर जो हम लोग ने स्टार्ट किया था प्लैटीहेलमिंथीस से स्टार्ट किया था, और प्लैटीहेलमिंथीस ग्रुप के जो एनिमल्स होते हैं बेसिकली उनको हम लोग स्टूडेंट कहते हैं फ्लैट वॉर्म्स। ठीक है, तो स्पॉन्जेस हो गए, स्पॉन्जेस पॉरीफेरिन से बिलोंग करते हैं, वो ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं होते हैं। टीनोफोर्स होते हैं, वो भी ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं होते हैं। कोरल्स बेसिकली सिलेंट्रेट से बिलोंग करते हैं, वो भी ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं होते हैं। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक जो फीचर स्टार्ट होता है वो प्लैटीहेलमिंथीस फाइलम से स्टार्ट होता है, और उसके ऑर्गेनिजम्स को कॉमनली हम लोग कहते हैं फ्लैट वर्म। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ए ऑप्शन, और उस तरह से वहाँ पे आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माय टुडेज लेक्चर, होप यू लाइक दिस लेक्चर। और अगर पसंद आया है बच्चों तो हिट करना लाइक बटन, शेयर करना मेरा वीडियो, सब्सक्राइब करना मेरा चैनल फॉर दी फर्दर वीडियोज़। सो थैंक यू सो मच बच्चों।